हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनुप्रिया एंड आई एम फ्रॉम कल्याण। तो हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट प्लस टू के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के बारे में। हमने उसका पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स कर भी लिए थे, तो अभी उसी के रिगार्डिंग उसको प्रोसीड करते हैं आगे। तो आज जो हमारा कंसेप्ट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले तो ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स वो होती है जो कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए फर्म से विड्रॉ कराता है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब देखो, अगर तो ड्राइंग्स की एक लिमिट हो कि हाँ कोई 10,000 मंथ का निकाल रहा है, कभी इतने निकाल रहा है, चलो ठीक है। बट हाँ, अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की प्रोविजन रखते हैं कि कोई बिना मतलब के फर्म से फालतू के पैसे विड्रॉ ना करें। क्योंकि अगर ऐसे होने लगेगा तो पार्टनरशिप ग्रो कैसे करेगी, फिर तो सारे हर कोई इतने पर्सनल खर्चों के नाम पर पैसे विड्रॉ कराता रहेगा। तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट, अगर तो आपके पास डीड है, ठीक है, आपने डीड बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पेमेंट होती है। बट हाँ, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप नहीं चार्ज कर सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ तभी चार्ज कर सकते हैं अगर आपने डीड में ये क्लॉज रखा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट पढ़ना। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी विड्रॉन आउट ऑफ द फर्म बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज, ठीक है। As stated earlier, no interest is charged on the drawings. कहते हैं interest कोई चार्ज नहीं होता drawings पे if there is no express agreement among the partners around it. कि अगर उसमें कोई express agreement ना हो, ये बात पे कि अगर deed में expressed है तभी आप interest on drawings charge कर सकते हो। However, if the partnership deed so provides for it, the interest on charge at the deed period for the period for which drawings have been made remained outstanding from the partners during an accounting year. Charging interest on drawing discourages the excessive amounts of drawings by the partners. ठीक है ना, वही बात हुई जो मैंने आपको कही कि अगर हम ये चार्ज नहीं करते तो पार्टनर्स बहुत ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कराते रहते हैं। अगर हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो ज्यादा अमाउंट जो है पार्टनरशिप फंड से विड्रॉ नहीं कराएंगे। अब कैलकुलेशंस कैसे होते हैं देखो, अगर तो फिक्स अमाउंट की, हाँ जी फिक्स है कि पर मंथ हर पार्टनर जो है 10,000 अपने पर्सनल खर्चों के लिए निकाले, तब क्या होता है, मेनी अ टाइम अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स एट एन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। हम कह देते हैं किसी को फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, कोई ड्यूरिंग द मतलब मिड ऑफ द मंथ, जैसे 15 को ले ली, कोई लास्ट डे पे होता है, ठीक है। तो ये तीन केसेस बनते हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड अटेंशन मस्ट बी पेड टू वेदर द फिक्स्ड अमाउंट वाज पेड विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। इफ विड्रॉन ऑन द एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन 6.5 मंथ्स, इफ विड्रॉन एट द एंड। थोड़ा सा यहां पे समझाती हूं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। हम ये कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, तो ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है, ठीक है, क्रैम कर सकते हो आप इसको, इस पॉइंट को अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट, इफ ड्राइंग्स आर मेड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हर मंथ की स्टार्टिंग पे मतलब फर्स्ट डेट पे आप विड्रॉ कराते हो, तो उस केस पे जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने के ऊपर होगा, 6.5 इफ ड्रॉइंग्स आर मेड मिडिल ऑफ द मंथ, तो उस केस में हम चार्ज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, 6 के ऊपर, ठीक है, 6 मंथ की चार्ज। ये मंथली ड्रॉइंग्स की बात होती है, कई बार क्वार्टरली भी ड्रॉइंग्स होती है, तो वो भी हम केस पढ़ेंगे अभी। At the end of month, यहाँ पे every month है मतलब हर महीने के, मैं नहीं कहते एक महीने निकाल लिया दूसरे महीने निकाल, हम यही बात करेंगे continuously वो हर महीने पैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उस केस में तो every month है, तो यहाँ पे उस केस हम लेते हैं 5.5। देखो पहले 6.5 स्टार्टिंग के लिए, अगर मिडल है तो 6 लेना है, अगर लास्ट है तो 5.5, तो 5.5 का डिफरेंस है, बस ऐसे याद करो, फर्स्ट के लिए 6.5, मिडल के लिए 6 और लास्ट के लिए कितना है 5.5, ठीक है। इफ ड्राइंग ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मंथ इट इज 6 मंथ, ठीक है, कितने मंथ्स की, ये हमारे पास मंथ्स है, कैलकुलेशन इज फॉर, यहाँ पे मैं मंथ्स भी लिख देती हूँ आपको, कि हम कैलकुलेशन जो लेंगे वो 6 मंथ 0.5 मंथ्स के अकॉर्डिंग लेंगे, यहाँ पे 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग लेंगे और यहाँ पे 5.5 लेंगे। सपोज आकाश आशीष विड्रू 10,000 पर मंथ फ्रॉम द इज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द एंडिंग ऑफ 31st मार्च एंड द कैलकुलेशन ऑफ द, कब विड्रॉ कराता है देखो, कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज पीरियड एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट सिचुएशन विल बी एज फॉलोज। देखो एवरेज पीरियड नंबर ऑफ द फर्स्ट टाइम नंबर ऑफ, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ वहां पे ये कैलकुलेशंस नहीं आती है, सिर्फ आपको इसका रिजल्ट याद करना है, अगर बिगनिंग है तो कितना, ठीक है। अब देखो ड्राइंग है कितनी, उसकी कितने मंथ की है हमारे पास, सॉरी उसकी कितनी ड्राइंग्स की, 10,000, एक महीने की ड्राइंग कितनी है 10,000, 12 मंथ की कितनी होगी, हम तो ईयरली कैलकुलेट करेंगे, तो 10,000 इनटू 12 ड्राइंग बताया होगा कितने परसेंट चार्ज है,
नहीं बताया नहीं मैम, इन्होंने पर लिया हुआ है कितना 8%। ठीक है, तो 8% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करते हैं हमारी 120,000 इनटू 8%। हमने अभी दिखा था कि हमने कितने के अकॉर्डिंग लेना है, 6.5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मंथ्स। ठीक है, तो 6.5 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 12, यही आगा। क्लियर है सबको? इसकी आगे कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 52,000। क्लियर है? अब देखो, एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने आपको कितना बताया, 10,000, तो ईयरली कितनी हो रही है 1,20,000। तो 1,20,000 इनटू 8% इनटू 5.5 अपॉन 400। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मिडल ऑफ द मंथ, 1,20,000 ईयरली हुई है तो 8% है, हमने मिडल ऑफ द मंथ कितना लेना है 6/12, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4,800। अब ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब मंथली होगी। पर अगर तुम्हारी क्या, चलो ये भी कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड क्वार्टरली। ठीक है, तो उस केस में देखो, फर्स्ट केस बनेगा स्टार्टिंग डे ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, फर्स्ट डे, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर भी लिख सकते हो इसको, अगर किसी को लगता है कि हमने वो कंसेप्ट ऐसे ही किया तो वैसे ही कर लेते हैं भाई। चलो, when drawings are made on the beginning of every quarter, quarterly का मैंने तो बताया ना क्या होता है। अब quarter में क्या होता है, 3 months होते हैं, तो एक साल में कितने quarter होंगे, 3 months के 4 quarters होते हैं एक साल में। क्लियर है? तो देखो, अगर quarter कैसे लेंगे, 7.5 months के quarter, और अगर middle है in the middle of every quarter, तो उस केस में कितना लेते हैं 6 months। देखो ये सेम है, middle of the month हो या middle, सेम रहेगा। उसके बाद आता है end पे, at the end of every quarter कितना लेते हैं 4.5 months। तो देखो, हमने मिडल पे 6 और लास्ट में कितने ले लिया है 4.5। देखो तीनों में कितना डिफरेंस है, 1.5 1.5। क्लियर है सबको? व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मनी इज विथड्रॉन क्वार्टरली बाय द पार्टनर्स इन सच अ सिचुएशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, द टोटल पीरियड ऑफ द टाइम इज डिपेंडिंग ऑन वेदर द मनी हैज विथड्रॉन एट द बिगनिंग, एट द एंड और द मिडल। तो वही पॉइंट हो गया। देखो कैलकुलेशंस देखो, 7.5 months मतलब 7.5 हो गया ना स्टार्टिंग में, एंड पे कितना हो गया 4.5, और मिडल में वही लेना है हमने 6 बार। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसकी। सपोज द सतीश एंड तिलक वर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दोनों पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। सतीश विड्यू 30,000 क्वार्टरली, कितना विड्यू करा रहा है 1,20,000। इफ द इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 8% इफ द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन वन। तो देखो 1,20,000 है, अगर स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर होगी तो कैसे कैलकुलेशन लेंगे हम, बिगिनिंग में 1,20,000 into 8% into 7.5 upon 12. ठीक है, 1,20,000 for the period of 7.5 months लेंगे। कैसे 7.5 upon 12, तो आप ब्रैकेट भी करोगे आपका आंसर सही है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा नियर अबाउट कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेशन देख लेती हूँ एक बार। हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 6,000। ठीक है, अगर ये बात है 4.5 तो 1,20,000 इनटू 8% इनटू 4.5 अपॉन डी 600। क्लियर है सबको? चलो, ये मैं कैलकुलेट करके दिखाया हुआ, तो हम ऐसे ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। अब देखो, जो हमने अब कंसेप्ट पढ़ा वो तो था एक फिक्स अमाउंट की ड्राइंग्स की, जो हमने ड्रॉ करा रहे थे उन्हें डायरेक्टली ये फॉर्मूले अप्लाई करने, जो मैंने आपको बताया है बस वही फॉर्मूले आपने याद करके ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लिया, और इससे क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों में से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। उसके बाद है, अगर बियरिंग अबाउट मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट अगर आप विड्रॉ करा लो तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम देखो क्या करते हैं,
When the partners withdraw different amount of the money at a different time, the interest is calculated using the product method. तो उस केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? Product method. Under the product method, each withdrawal, the money withdrawn is multiplied by the period for which it remained withdrawn during the financial year. हम जितना भी पैसा निकालते हैं और जितने टाइम के लिए वो बाहर रहा बिजनेस से, उस टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. The period is calculated from the date of withdrawal. जिस डेट को विड्रॉल कराया तब तक, to the last day of the accounting year. मतलब मान लो मैंने 1 जुलाई को पैसे विड्रॉ कराए, तो 1 जुलाई से लेकर 31st of the March of the next year हम कैलकुलेशन करेंगे. The products are so calculated and totaled on the total of the interest as specified rate is calculated. तो जितने परसेंट आपको गिवन है हमने प्रोडक्ट का टोटल निकाल लेना है, जितना रेट गिवन है इनटू 1/5. तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है. जैसे देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हमारे पास कि शहनाज है, उसने डिफरेंट अमाउंट्स कैपिटल सॉरी हाँ विड्रॉ कराई है हमारे पास कैपिटल, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ड्रॉइंग्स एंड सॉरी इसकी कैलकुलेट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय द प्रोडक्ट मेथड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज. देखो पेपर में आपको गिवन नहीं होगा कि आपने प्रोडक्ट मेथड लगाना है, आपको एक खुद देखना है कि फिक्स ड्रॉइंग्स हैं कि फ्लक्चुएटिंग है, डिफरेंट है. तो डिफरेंट वाले केस में आपने खुद ये मेथड अप्लाई कर. अब तो एक अप्रैल को निकाला उसने कितना 16,000, 31 मार्च तक तो कितने मंथ हो गए 12 मंथ, तो 16 × 12 कितना आ गया 1,92,000. फिर 30th जून को विड्रॉ करा रहा है 15,000. अब 30th जून मतलब 1st ऑफ जुलाई से लेकर नेक्स्ट 31st मार्च तक कितने महीने हो गए हमारे पास 9 मंथ, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 1,35,000. फिर 31st अक्टूबर को विड्रॉ करा रहे हैं 10,000, कितने मंथ के लिए रहा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ, तो 5 मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 50,000. फिर उसके बाद 31st दिसंबर को 14,000, 31st दिसंबर को निकाला है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ हो गए. फिर 1st of March, मार्च का पूरा मंथ तो पड़ा है अभी, तो पूरा महीना मार्च का मतलब एक महीना हो गया, तो ये आ गया 4,30,000 टोटल. हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का टोटल करना है, मल्टीप्लाई बाय द रेट. रेट कितना है 7% × 1/12, तो हमारे पास कितना आ गया इंटरेस्ट इसका 2508 जो हमने चार्ज. तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड जो कहां पर. चलो ये वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. John Abraham, a partner in the Modern Tours and Travels, withdraw money during the year. वो पैसे withdraw करा रहे हैं personal use के लिए. Calculate the interest on drawing on each of the following alternative futures if rate of interest is 9%. 9% है. If it drew 3,000 in the beginning of the month, if an amount of 3,000 per month was withdrawn by him at the end of the month. तो दो केस है. पहला केस है कि beginning में month की beginning में तो कितने किसके according है? 6.5 months के according. पर मंथ कितनी है 3,000. तो 3,000 into 12 कितना हो गया 36,000 into 6.5 by 12, ठीक है, into 9%. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 17,055, क्योंकि 1,755. ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? फिक्स्ड वाला. सेकंड है हमने एट द एंड. एट द एंड के लिए कौन सा रेट चार्ज होता है 5.5. तो 36,000 into 9% into 5.5 by 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1,485. और थर्ड केस में हमें अलग अलग दी हुई, ठीक है, पहले हमने विड्रॉ करना है कितने 12,000 ऑन द जून 1st जून को विड्रॉ करा दिए, तो जून से लेकर 31st मार्च तक 10 मंथ्स होते हैं, तो 12,000 को ये देखो यहां पे ना इंटरेस्ट अलग अलग भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं. वो कैसे कि 12,000 इनटू 10 करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1,20,000, ठीक है, टोटल कर लो सबका. उसके बाद क्या करो, डिवाइड इनटू 9% इनटू 1/12 कर लो, इससे भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है. ये भी कांसेप्ट बन गया, क्लियर है सबको, ठीक है जी. चलो तो जितनी जितनी हमारी ड्राइंग्स है, जैसे 8,000 की विड्रॉ कराई है 31st ऑफ मार्च को, कितने परसेंट बन रही है 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनटू 7 द 7 मंथ्स के लिए, तो कितना आ गया 56,000. तो मैं यहां पे भी देखो मल्टीप्लाई करके लिख देती हूं 1,20,000 8 × 56,000 3,000 × 6 18,000 7,000 × 4 28,000 एंड करने के बाद जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9% के साथ इनटू कितना करेंगे 1/12. तो जो सबको मुझे लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है. बस यही कंसेप्ट बनते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, कि आपने बस ये देखना है कि कितने मंथ पेंडिंग है. जैसे ये देखो एक और केस मैं आपको करा देती हूँ. मनु हैरी एंड अली आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. हैरी एंड अली विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट. ये हमारे अमाउंट स्कीम है, डेट स्कीम है, ठीक है. इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% के अकॉर्डिंग, तो दोनों का अलग अलग बना लेंगे. ये हैरी का और ये अली का 5,000 है. अप्रैल 1st को ही विड्रॉ कर लेंगे, 12 महीने ही बाहर है जितना से, तो इंटू 12 किया 60,000. फिर 1 जुलाई को 8,000, जुलाई से 31st ऑफ मार्च तक 2,000. फिर 5,000 1 दिसंबर को लाया, तो 4 मंथ हो गए 20,000. मार्च 1 को कराया 1 मंथ हो गया 4,000. टोटल किया सबका कितने परसेंट पे लेना है 10% पे 1,56,000 इंटू 10% इंटू 1/12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा. क्लियर है सबको, आई होप सो. आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे.
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।